नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विदिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ने अगर आपको OA यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है आपके अगेंस्ट में DRT में, और DRT की तरफ से आपको समन आया हुआ है। जब समन्स आते हैं OA के अगेंस्ट में आपको क्या फाइल करना है, आपको फाइल करना होता है WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट DRT के संदर्भ में। हालांकि WS बहुत जगह पे फाइल किया जाता है, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो DRT कोड है और DRT एक्ट और सरफेसी एक्ट। तो हम लोग आज बात करेंगे सरफेसी एक्ट में अगर बैंक ने सेक्शन 19 के अंतर्गत आपको समन्स भिजवाए हैं DRT कोर्ट से, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट विद इन पीरियड ही आपको फाइल करना है। यानी कि आपको DRT एक्ट 1993 के रूल 8 के क्लॉज 12 में दिया हुआ है कि आपको समन्स जिस दिन प्राप्त हो जाते हैं उससे अगले 30 दिनों के भीतर यानी कि एक महीने के भीतर ही आपको DRT में अप्रोच करना है और फिर वहां पे आपको अपना WS फाइल करना होगा। अगर आप विद इन लिमिटेशन पीरियड में नहीं फाइल करते हैं तो आपका WS रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत कम मामले देखे गए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है तो ये आपको अपनानी पड़ेगी। इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं कि अगर बैंक ने OA फाइल किया और आपको समन्स आ गए और आपने उस समन्स को रिप्लाई नहीं किया 30 दिनों के भीतर, तो आपके साथ क्या हो सकता है। DRT आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको सुनवाई का अधिकार न दिया जाए। इससे आप जो भी सोच रहे थे वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बैंक को ऑर्डर कर दिया जाएगा ऑक्शन का, हो सकता है कि बैंक को ऑर्डर कर दिया जाएगा पोजीशन का। तो हमेशा याद रखिए, सही समय पे आप OA के अगेंस्ट में रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करिए, तभी जाकर के आपका केस मजबूत होगा। दोस्तों देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में आपको बहुत ही सावधानियों को बरतना पड़ता है। कुछ ऐसी सावधानियां हैं, अब रिटर्न स्टेटमेंट में आप अपने मैटर को बहुत ही कंसाइज में लिखेंगे, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि उसमें इतिहास और भूगोल भी लिख देते हैं। कहने का मतलब यह कि उसमें ऐसी बातें लिख देते हैं जो कि उनके पास एविडेंस नहीं है, और यही सबसे ज्यादा घातक होती है उनके केस में। उनको हारने में सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है कि जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट में शपथ पत्र के साथ एफिडेविट के साथ कोई बात कही है और जब वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और वो पूछता है और आपके काउंसिल उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्पोजल हो जाता है और यहाँ पर बैंक के राइट को अवेल कर दिया जाता है और बैंक को ऑर्डर दे दिया जाता है और फिर बैंक आपका पोजीशन ले लेता है और उसके बाद वो ऑक्शन कर देता है। तो यहाँ पर WS को फाइल करते समय बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को लिखना चाहिए। याद रहे कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको मत लिखिए। WS बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आगे की प्रोसीडिंग्स में। अब आपने शपथ पत्र के माध्यम से कुछ ऐसी बातें लिख दी जिसका की प्रमाण आप नहीं दे पाते हैं DRT में, और यहां से आपका केस कमजोर हो जाता है और अगली हीरिंग में ही आपका केस डिस्पोज हो जाता है और बैंक के फेवर में जजमेंट चला जाता है। हमने से बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो इस तरीके की गलतियां करते हैं। तो 30 दिन के भीतर आप WS फाइल करिए और आप अपने WS में प्रमाणित चीज़ों को, जो चीज़ों का एविडेंस आपके पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिया और बैंक ने हमारे CC लिमिट में पैसा रोक करके रखा। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत संभाल करके इसको लिखना पड़ता है। तो आप अगर एक एडवोकेट हैं या फिर आप एक बॉरोअर हैं और आपको OA का समन आया हुआ है, तो आप बहुत ही ध्यान से अपने केस में आगे बढ़िए। WS को बहुत ही सावधानी से लिखिए और उसको टाइम के अनुसार फाइल करिए। अगर आप टाइम के अनुसार फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लिमिटेशन पीरियड के सेक्शन 5 में दिया हुआ है कि उसमें अगर डिले ऑफ टाइम है तो उसका भी रीजनेबल डाउट होना चाहिए। उसका भी रीजनेबल एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका जहाँ पे डिले हुआ है, जिस वजह से हुआ है, वो घटना आपके साथ घटी है।
अब आपने डिले एप्लीकेशन में या फिर जो भी आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में डिले के लिए एक लिमिटेशन पीरियड एक्ट के 5 में दिए हुए प्रोसीजर के हिसाब से आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सर हमें WS फाइल करने में देर हो गई और हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम यहाँ पे एडमिट थे। अब पता चला कि आप एडमिट ही नहीं थे, तो फिर वहां से DRT से ऑर्डर आ जाएगी, जहां भी आप एडमिट थे उसका मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री और उसका जो कुछ भी है वो ले आकर के चले जाइए, उसको दिखाइए, शो करिए। अगर ये सब चीजें आप नहीं दिखा पाते हैं तो यकीन मानिए आपका WS रिजेक्ट हो जाएगा। तो रीजनेबल जो चीजें होती हैं उनको दिखाना जरूरी होता है कि डिले क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा WS फाइल करने में गलती मत करिएगा, देरी मत करिएगा, टाइम से करिएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वह 30 दिन है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तभी जा करके उसको आप एक एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड एक्ट 1963 के सेक्शन 5 में दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से एक एप्लीकेशन देख सकते हैं, तब जा करके आप WS 30 दिनों के बाद भी वह एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आपको केयरफुली होकर के इसको लिखना होगा, तभी जा करके आपका WS एक्सेप्ट होगा। तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है जब भी आप DRT में WS फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।